तेलंगाना राज्य के मेडचल स्थित तीसरा मंडल के गंगा जमुना तर्ज पर बसे नागरम धमईगुड़ा मेन रोड पर कोरोना वायरस जंग के तहत राज्य सरकार के प्रयासों नगर पुलिस आयुक्त अंजनी कुमार व प्रदेश पुलिस महानिदेशक महेंद्र रेड्डी के कोरोना रूपी राक्षस को हराने के लिए जारी प्रयासों लॉकडाउन के तहत सोशल डिस्टेंसिंग मास्क लगाने की अनिवार्यता साप्ताहिक मार्केट न लगाने की सब्जी विक्रेताओं व आम नागरिकों ने जमकर नियमों की अवहेलना करते हुए धज्जियां उड़ाई। रोजमर्रा की तरह मार्केट लगाकर सामाजिक दूरी बनाए रखना मास्क लगाने जैसे नियमों की परवाह न करते हुए लोगों ने जमकर सब्जी की खरीदारी की। अभी भी राज्य कई प्रदेशों के मुकाबले बेहतर स्थिति में है मगर इस प्रकार लॉकडाउन के नियमों की अवहेलना की गई तो आने वाले दिनों में राज्य को कोरोना रूपी महामारी के भयंकर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। वैसे भी राज्य में 101 स्थानों को हॉटस्पॉट की श्रेणी में लाया जा चुका है जबकि ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम में भी 14 स्थान हॉटस्पॉट की श्रेणी में है जबकि पड़ोसी मोलाली व अलवाल का इस श्रेणी में आना धमईगुड़ा व नागरम नगर निगम के लिए चिंता का विषय है। ऐसे में हर नागरिक का कर्तव्य बनता है कि प्रशासन के साथ साथ लॉकडाउन के नियमों का सख्ती से पालन करें। ध्यान रहे अगर जान है तो जहान है। ऐसे साप्ताहिक बाजारों का बहिष्कार करें जहां सोशल डिस्टेंसिंग व नियमों का पालन न हो। हालांकि स्थानीय पुलिस प्रशासन कीचड़ा को अवगत कराया तो तुरंत ही स्थिति को भागते हुए प्रशासन ने कुछ ही समय में क्षेत्र में लगे सब्जी मार्केट को हटवाकर आम लोगों व सब्जी विक्रेताओं से इस प्रकार नियमों की अवहेलना करने पर सख्ती से पेश आने की हिदायत देते हुए बताया कि पहुंच गई है कोरोना की गिनती हजारों में, इसे लाख मत होने दो, रुक जाओ अपने घरों में, वतन को राख मत होने दो। नव भारत न्यूज के लिए हैदराबाद से मैं पर्वत सोलंकी। तेलंगाना राज्य के मेडचल स्थित तीसरा मंडल के गंगा जमुना तर्ज पर बसे नागरम धमईगुड़ा मेन रोड पर